औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब भी ठीक होंगे। आज मेरे शौहर की बर्थडे है, इसकी वजह से हमने ये सारी तैयारियाँ की हैं और खूब सजाया है बच्चों ने। बच्चों को शौक़ होता है ज़्यादातर मम्मा सालगिरह करें, पप्पा की सालगिरह है, बर्थडे है, खूब मज़ा आता है। और जिसकी वजह से हमने उनको सरप्राइज़ दिया, बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों ने भी अपनी अपनी समझ से तैयारियां की हैं। अल्लाह इनकी लंबी उम्र करे, सेहत याबी की ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह सबको भी सेहत याब ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक, बच्चे बहुत खुश होते हैं पापा आपकी, और ये तो खुशी नहीं होते, नहीं कहते नहीं, जब क्या सालगिरह करना है ये वो। बच्चे ज़िद करके नहीं मानते, पापा ऐसे करो, पापा ऐसे करो, इस तरह ये खुश होते हैं। इनमें जिसमें बच्चे खुश हैं, हम भी खुश हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे खुश हैं उसमें हम भी खुश हैं। अल्लाह सबको खुश रखे अपने बच्चों के साथ। अल्लाह माँ बाप का साया बनाए रखे बच्चों के सर पर। और माँ बाप का साया तो बना हुआ बहुत खुश होते हैं, बच्चों की ज़िंदगी इसी में होती है, बच्चों की ज़िंदगी इसी में है, माँ बाप का नहीं। बच्चे बोलते हैं नहीं, हमारे पापा मम्मा का अल्लाह सबके, अल्लाह सबके बच्चों पे या अल्लाह पाक कि माँ बाप का साया बनाए रखे और खुश रखे, अल्लाह इनको आबाद रखे सबको। और मेरी तो दिल की यही दुआ है दिल से आप सबके लिए, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे, अल्लाह पाक सबको सबको आमीन। मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की, घर सजाया, और रात भी हो गई थी, बहुत टाइम हो गया था, इनको तो मालूम भी नहीं था कि मेरी सालगिरह है। इनको क्या मालूम, बच्चों को ही, बच्चियाँ बच्चों को शौक है, खुश है, बच्चों को ही मालूम होता है कि हाँ आज बर्थडे है पापा की, तो तैयारी शुरू कर दी। इनको पता भी नहीं था क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, ये सब बता ही नहीं रही थी ये लोग। काम में इतना मेरे शौहर इतना मसरूफ़ होते हैं, इनको पता ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं देते। और मेरे दो दामाद हैं, इन्होंने भी तैयारी की है। बेटा है मेरा, एक ही बेटा है, अल्लाह इसकी तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह इनको सबको खुश रखे। इन तीनों ने मिलके और बच्चियों ने मिलकर बहुत तैयारी की, खुशी खुशी तैयारी कर रहे हैं। ये नवासा मेरा खुश हो रहा है कि नानू डैडी की आज सालगिरह है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये मेरा बेटा है, बेटा भी बैठा हुआ है पापा के साथ तैयारी कर रहे हैं। नवासा भी बैठा हुआ है, अपनी अपनी मर्ज़ी से सब तैयारी कर रहे हैं। और केक भी मंगा लिया अचानक से, हमें पता ही नहीं था, और इनको तो बिल्कुल मालूम नहीं था, गुस्सा कर रहे थे क्यों मंगाया तुम लोगों ने, क्यों ये। ये मेरा बेटा है, बहुत प्यारा, इसकी आदत बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, अल्लाह इसकी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह इसे नेक है, ये बहुत माशाल्लाह से नमाजी है, अल्लाह तो खुश रखे। और ये मेरे छोटे दामाद हैं, और ये सब खुश होते हैं, मेरे छोटे दामाद हैं, इन्होंने भी खूब तैयारियां की। और बड़े दामाद हैं मेरे, दो दामाद हैं, एक बेटा है, इन्होंने बच्चियों ने सब ने मिल के तैयारियाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी आदत की है, अल्लाह इनको खुश रखे, खुशियां नसीब करे, बच्चियां अपने अपने घर में खुश रहे, अल्लाह इनको खुश और आबाद रखे। और ये मेरे बड़े दामाद हैं, बैठे केक खिला रहे हैं सब एक एक करके, और बच्चों ने कहा कि मम्मा पापा आप एक दूसरे को केक खिलाएं, बस ये जो जो बोलते जा रहे थे वही ये मेरी है।
बच्चे बोले थे एक दूसरे को केक खिलाएं मम्मा पापा आप, अब उनको शर्म भी आ रही थी, शर्म आती है ज़ाहिर है, अब ये इस बात से अब बच्चे भी नहीं मानते, तो फिर इस वजह से एक दूसरे को केक खिलाया, फिर खूब इंजॉय किया, खूब मज़ा आया, खूब डिनर किया हम लोगों ने, फिर डिनर भी किया, डिनर में भी घर में तैयारी की, बच्चियाँ आ गई थी, हम लोगों ने बस सिर्फ फैमिली हमारी कंप्लीट फैमिली थी और कोई भी नहीं था, हमने अपने घर में ही अपनी फैमिली के साथ सालगिरह मनाई थी। मेरा नवासा है इसको खिला रहे हैं केक, बहुत खुश होता है ये सालगिरह केक देखता है बस बहुत खुश हो जाता है ये, और इनको तो बस अचानक सरप्राइज़ दिया था बच्चों ने सब ने मिलकर, पता ही नहीं था इनको सालगिरह है, सारी तैयारी की बच्चों ने अचानक से, इन्होंने पूछा किसकी सालगिरह भाई, क्यों तैयारी हो रही है भाई, नाम बहाना लिया कि नवासे की हो रही है भाई, आपके नवासे की हो रही है सालगिरह, और पूरा घर सजा दिया था बलून वगैरह से हर चीज़ सजावट में सजाया है, सब कुछ अच्छा सजाया था बच्चों ने, अल्लाह इनको खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुमा आमीन, अल्लाह आप सबको खुशियाँ नसीब करे, मेरी तो यही दुआ है और यही ज़िंदगी है इंसान की, बस इसी में इंजॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें, सबको खुश रखें, अल्लाह सबको खुशियाँ नसीब करें, आमीन या अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फरमा और सबको खुश और आबाद रखना, और यही तो खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी, हमें लाइफ में अपनी मनानी चाहिए, ये बच्चे खड़े हैं मेरे खुश हो रहे हैं, और ये केक भी ऑर्डर पे मंगाया था, मेरे दामाद भी बहुत अच्छे हैं, बेटा बहुत अच्छा है माशाल्लाह से नेक है, अल्लाह इसको नेक ही बना रखे, और हमारा ये डिनर है, हमने सारी तैयारी टिक्के वगैरह सब तैयार कर लिए थे, और मेरी बेटियां भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, और अल्लाह पाक इनको अपने अपने घरों में खुश रखे, इनका नसीब अच्छा करे और ससुराल अच्छा मिले अल्लाह पाक, और मेरी आने वाली बहू भी बहुत अच्छी नेक और अच्छी आए, मेरी तह दिल से यही दुआ है अल्लाह सबको खुशियाँ नसीब करे और सबको ऐसे बच्चे अल्लाह नसीब करे, बच्चियाँ बेटा दामाद सब सब, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।